नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे अपने उजसपुर फार्म मध्य प्रदेश में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बंद बकरी बांझ बकरी की पहचान के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो बकरी बच्चा नहीं देती है उससे हम बंद और बांझ बकरी बोलते हैं। तो वो बकरी अगर हमारे किसी बकरी पालक के पास, किसान भाई के पास आ जाए, तो वो हमारे लिए किसी काम की नहीं है। हम बकरी पालन करते हैं कमाई के बारे में सोचकर, पर जब बकरी का गर्भ नहीं ठहरेगा, वो गाभिन नहीं होगी, वो बच्चा नहीं देगी, तो हम कमाई कहाँ से करेंगे। तो क्या होता है, जब कोई युवा किसान भाई बकरी पालन शुरू करते हैं, जब बकरी लेने जाते हैं, तो या तो वो किसी किसान के फार्म से बकरी लेकर आते हैं या किसी ट्रेडर्स के पास से लेकर आते हैं। पर जब बकरी लेने जाते हैं तो हम बकरी में क्या देखते हैं, हम देखते हैं बकरी की खूबसूरती, बकरी के बालों की चमक, हम देखते हैं बकरी मोटी ताजी है, हेल्दी है। पर हमें ये नहीं पता होता है कि कुछ बकरियाँ बंद बांझ भी होती जो कोई बच्चा नहीं दे सकती। तो मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगा कि एक बंद बकरी को आप कैसे पहचानें। आज के वीडियो में मैं आपको अपने बकरी फार्म की एक बकरी का एग्जांपल लेकर आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि जब आप बकरी लेने जाएं तो आप उसके अंदर ऐसा क्या देखें जिससे आपको पता चले कि वो बकरी बंद बांझ तो नहीं है, जिससे कि आप अपने फार्म पर उस बंद बकरी को लेकर ना आए, जिससे कि आपको नुकसान ना उठाना पड़े। तो आइए चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको ऐसे क्या क्या देखना है उसकी बॉडी के अंदर, क्योंकि बॉडी के जो आकार जो शेप होता है उसी से हम पहचान सकते हैं कि बकरी बंद है बांझ है। तो आप देख रहे हैं, जैसे ये सिरोही नस्ल की हमारी बकरी है, ये प्रेग्नेंट है, पर मैं आपको एग्जांपल के लिए, प्रैक्टिकल के लिए बकरी मैंने ली है। तो आप इसमें ऐसा क्या देखेंगे, आप बकरी लेने जाइए तो आप देखेंगे कि बकरी, जैसे कि ये लूज बकरी है, देखेंगे इसका शरीर जगह जगह से आप लूज देख पा रहे हैं, पर जो बंद और बांझ बकरी होगी उसका जो शरीर होगा, जो बॉडी होगी, पूरी गठीली होगी। गठीला मतलब कसा हुआ पूरा उसका बदन होगा, जो कि बकरे की तरह दिखेगी, समझ रहे हैं आप, पूरी बकरे की तरह दिखेगी। उसके बाद उसकी जो हरकतें होंगी वो भी बकरे की तरह ही होंगी, बकरी की तरह उसकी हरकतें नहीं होंगी। आप जो बकरी लेंगे, जब आप उसको देखेंगे कि वो बकरी में अगर चर्बी बहुत ज्यादा है, ध्यान रखना फेट की मात्रा, ये जो शरीर है यहाँ पर उसको बहुत ज्यादा फेट जमा रहेगा, चर्बी रहेगी, मतलब कि बहुत ज्यादा हेल्दी नजर आएंगी। ऐसा नहीं है कि सारी हेल्दी बकरियां बंद और बांझ होती है, पर जो बंद बकरियां होती है उसके अंदर फेट की मात्रा बहुत ज्यादा नजर आती है, जगह जगह पर आपको बहुत ज्यादा चर्बी नजर आएगी। तो ध्यान रखें कि बकरी जो है बकरे की तरह उसका गठीला बदन ना हो, वो बकरे की तरह हरकत ना कर रही हो, उसके ऊपर ज्यादा चर्बी ना जमी हो। तो ये कुछ पहचान है जिससे कि आप जान सकते हैं कि वो बकरी बंद है, बांझ है या बच्चा देने वाली है। क्या होता है कि हम जब बकरी लेने जाते हैं तो उसकी खूबसूरती, उसकी चमक, उसकी हेल्थ को देखकर हम बकरी को ले आते हैं, पर ये नहीं समझ पाते हैं कि कुछ बकरियों में बहुत ज़्यादा चर्बी होती है, जिसकी वजह से वो बार बार रिपीट होती है, मतलब वो बार बार हीट पर आती है। हर 15-20 दिन में वो हीट पर आएंगी, कभी भी उनका गर्भ नहीं ठहरेगा, वो गाभिन नहीं होगी, और हम परेशान होते रहेंगे कि हमारी बकरी हीट पर तो आ रही है और उसका गर्भ क्यों नहीं ठहर रहा है। ऐसे में क्या होता है कि जब किसान भाई बकरी पालक परेशान हो जाते हैं कि बकरी बार बार हीट पर तो आ रही है पर गर्भ नहीं ठहर रहा है, तो वो उस बकरी को, जो बकरी 25 से 30 हजार में बिकनी चाहिए, वो खटिक को, कटनी में उस बकरी को 8 से 10 हजार में बेच देते हैं, जिससे कि बकरी पालक का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो बकरी लेते समय ध्यान रखें कि जब भी आप बकरी लेने जाएं तो जल्दबाजी ना करें, कम से कम 1.5 से 2 घंटा आप बैठकर उन बकरियों को देखते रहें, उन बकरियों की मॉनिटरिंग करें, आप ध्यान से देखें उन बकरियों को कि कहीं उन बकरी में ऐसी बकरी तो नहीं है जिसको बहुत ज़्यादा चर्बी जमी हुई है, या वो दूसरी बकरी के साथ में बकरों जैसी हरकतें कर रही है। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा जब आप बकरियां लेंगे। आप खूबसूरती और हेल्दी बकरियां देखकर ना लाएं, आप देखें कि कहीं वो बकरी बंद या बांझ तो नहीं है, कहीं आप खुद से तो अपने फार्म का नुकसान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो बकरी आप ले जा रहे हैं आप सोचकर ले जा रहे हैं कि वो बकरी हमारे यहाँ जाकर बच्चा देगी जिससे कि हम कमाई करेंगे, और जब बकरी का गर्भ नहीं ठहरेगा, वो गाभिन नहीं होगी, तो आप कहाँ से पैसा कमाएंगे। जब भी आप बकरियाँ खरीदने जाएं तो बकरियों को देख परख कर लें, आप चाहे कितनी हेल्दी मोटी ताजी बकरी लें, पर एक बात जरूर ध्यान रखें कि उसके ऊपर ज़्यादा चर्बी तो जमी ही नहीं है, क्योंकि बकरी का बार बार रिपीट होना, गर्भ का ना ठहरना सबसे ज़्यादा उसकी चर्बी पर डिपेंड करता है। तो इस बात का खास ध्यान रखें कि जब भी आप बकरियाँ लेने जाएं, अच्छी बकरियाँ लेकर आएं, ताकि जो बकरियाँ आप लेकर आ रहे हैं उनसे अच्छी कमाई कर सकें। क्योंकि आप जब बकरियाँ लेंगे तो हेल्दी मोटी ताजी बकरियाँ जरूर लें, ऐसा नहीं है कि आपको हेल्दी और मोटी ताजी बकरियाँ नहीं लेनी है। तो ध्यान रखें जो जो सिम्टम्स, लक्षण मैंने आपको बताए, जो बकरियाँ आप ला रहे हैं क्या उनमें वो सिम्टम्स तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बंद बकरियाँ ला रहे हैं। तो बकरियाँ लाते समय
इन बातों का खास ध्यान रखें, क्योंकि जब आप बकरी पालन शुरू करते हैं तो बहुत कुछ सोच के करते हैं कि हमारे बिजनेस को हम आगे लेकर जाएंगे और बहुत ज़्यादा इससे हम कमाई करेंगे। तो जब आप बंद बकरी बांझ बकरी लेकर आ जाएंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस रहेगा वो वहीं पर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब बकरी लाएंगे वो बच्चा नहीं देगी तो आप बकरी पालन नहीं कर पाएंगे। कब तक आप बंद और बांझ बकरी को रखकर फ्री में खिलाएंगे? तो ध्यान रखें जो कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई। तो दोस्तों, इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी हुई जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को पहली बार आए हैं, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।